जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के लव ब्रीथ इस चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ इसके लिए है कि हम कब तक डरते रहेंगे, कब तक इस जातिवाद से, इस धर्मवाद से डरते रहेंगे। आपको क्या लगता है कि आज अगर किसी जाति का एक समूह बन गया है, आज अगर किसी धर्म का एक समूह बन गया है, इसकी वजह है इस दुनिया का आईटी सेल। दोस्तों, यहाँ पे जैसे आपको राजनीति पार्टियाँ दिखती हैं, वैसे उनका एक अजब और गजब आईटी सेल होता है। दोस्तों, आपको ये बात तो समझने में बहुत दिक्कत होगी कि राहुल खन्ना क्या आज अपने चैनल पे क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, ये मुझे कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि दोस्तों, यह आईटी सेल ऐसे फैलता जा रहा है जैसे मानो बीमारी। हमारे आदिवासी युवक, हमारे एसटी एससी कैटेगरी के जो भी लोग हैं, उनके दिमाग में यह घुमाया जा रहा है कि हिंदू और मुस्लिम, जो इन्हीं दोनों भी धर्मों से ना कोई ताल्लुक रखता है, ना आदिवासी इंसान खुद को हिंदू समझता है, ना कुछ भी, फिर भी ये हिंदू और मुसलमान का बीच ये आईटी सेल वाले लोग फैला रहे हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं कि अगर आप किसी राजनेता के पास जाएंगे, हमें रोजगार चाहिए, तो वो बताएगा कि हमारी इस देश की गौ माता खतरे में है। आप उनको पूछेंगे कि हमें खाना चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, वो बताएंगे पाकिस्तान आपके ऊपर नज़र बनाए रखा है, पाकिस्तान को पहले ख़त्म करना पड़ेगा। दोस्तों, ये साजिश कैसे आ रही है, इस साजिश को लेके हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आदिवासी युवक खड़ा हो जाए, अगर वो बोले कि मैं तो हिंदू भी नहीं हूँ, मैं तो मुस्लिम भी नहीं हूँ, अरे मेरा काम क्या है, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे इस देश में रहना है, मुझे रोजगार चाहिए, ये क्या फालतू के लगा रखे हैं। कभी नोट बंद हो जाता है तो कभी आपको नागरिकता देनी पड़ती है, इस देश के आदिवासियों को यहाँ पे नागरिकता सिद्ध करनी पड़ती है। अगर उनके पास जाओ, अरे इस देश का मूल निवासी लड़का जो पढ़ा लिखा है, उनको रोजगार चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, आप सभी सेक्टरों को प्राइवेटाइजेशन में डाल रहे हैं। अगर हम रोजगार की बात करेंगे तो वो बताएंगे कि आपका देश, आपका धर्म खतरे में है, आप पहले उसके ऊपर नजर रखो। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अगर आप किसी को न्याय मांगने जाओगे तो यूनिवर्सिटी के छात्राओं पर भी हमला हुआ है। यहाँ पे एजुकेशन पे भी, अगर आप एजुकेशन लेते हो, सुदृढ़ बनते हो, लोगों को सवाल करने लगते हो, किसी राजनेता को सवाल करते हो आप लोग, तो आपको आपके ऊपर हमला किया जाता है। वो आपका जो भी आप वहाँ पे भीड़ लगाते हो, वो भीड़ को तोड़ा जाता है। दोस्तों, ये कैसे हो रहा है? और अगर आप किसी एक आदिवासी जो शहरों में रहता है उसके साथ आप बात करने की कोशिश करें, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया कि रिपब्लिक डे पे डे का जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपने देखा ही होगा, तो वहाँ पे मैंने बताया कि शहरों के लोगों की अभी मानसिकता क्या हो गई। ये लोग बोलते हैं कि नहीं, चलो हमें आरक्षण नहीं चाहिए क्योंकि हमें आरक्षण की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई, कभी आ जा अपने गाँव, अपने सामाजिक समाज में रहने वाले लोगों को देख, फिर तुम्हें लगेगा कि आरक्षण लगता है कि नहीं। तेरी एक बाप की जागीर नहीं है। आरक्षण एक आदमी को देख के या बहुत सारे आदमियों को देख के आरक्षण लागू नहीं हुआ था। आरक्षण लागू हुआ था क्योंकि हम पिछड़े हैं, हमें सामने नहीं आने देते थे, तभी आरक्षण लागू होता था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईटी सेल की। आज के दिन सभी के पास स्मार्टफोन होता है। आपके पास यूट्यूब, जैसे आप मेरी चैनल देखते हो, वैसे आपके पास व्हाट्सअप होता है, फेसबुक होता है। तो दोस्तों, यही बात है आपको घुमाने की। सीधा सीधा, अगर मैं किसी पार्टी चलाता हूँ तो मुझे अगर दूसरे पार्टी के खिलाफ कुछ बोलना है, कुछ करना है, तो इसके लिए मैं कुछ बोलूँगा तो सीधे सीधे मेरे ऊपर आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं लोगों के दिल में उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जहर फैलाऊँगा, थोड़ा थोड़ा। ये जहर अगर आप 10-12 कंप्यूटर वाले लोग वहाँ पर बिठा दें और उनको बताए कि हर सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों के मन में मुस्लिम के विरुद्ध, हिंदू के विरुद्ध जहर फैलाए, हिंदू के ग्रुप में आप ऐसी ऐसी पोस्ट डालें जो मुस्लिमों के खिलाफ हो, और मुस्लिमों के ग्रुप में आप ऐसी ऐसी पोस्ट डालें जो हिंदुओं के खिलाफ हो। आप अगर किसी, कोई भी आपका एक मित्र है जो पॉलिटिकल बात से जुड़ा है, वो आपका नंबर ले जाएगा, अपना एक ग्रुप बनाएगा, और ग्रुप में ऐसे ऐसे पोस्ट आएंगे वहाँ पे, जो पोस्ट आप पढ़ने से आपको लगेगा कि ये बात सच्ची है। इतने यहाँ तक ये लोग गिर चुके हैं कि एक वीडियो को कट कट करके गलत वाला वीडियो बना देंगे ये लोग, और गलत तरीके से पेश करेंगे। जैसे आपको मालूम है कि बहुत सारे वीडियो ऐसे वायरल हो जाते हैं जो एडिट किए हुए हैं, उसके अगर अपन तह तक जाते हैं तो वो गलत रहता है। किसी वीडियो के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आज जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो हिंदू और मुस्लिम का, जिसमें
ये गरीब गांव के आदिवासी का कोई लेना देना नहीं है इसमें, फिर भी उनको बताया जा रहा है कि तुम खतरे में हो, तुम्हारा हिंदू धर्म खतरे में है। अरे भाई, हिंदू धर्म खतरे में हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पे अभी आज आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, कितने हजारों साल पहले यहां पे मुस्लिम लोगों ने चढ़ाई की है, यहां पे मुस्लिम लोग आए थे, कितने युद्ध हुए, कितने क्या हुआ, अपने इंडियन आदमी को कोई हिला सका है? तो आपको आज खतरे में लग रहा है क्यों? पहले मुस्लिम मांस नहीं खाते थे, आज आप वो मांस खा रहे तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है। दोस्तों, ये भड़काने वाली बातें हैं, एक दूसरे को भड़काने वाले, ये भड़का लेते हैं, लोगों को भड़काते हैं और भीड़ करके भीड़ में अपना काम निकालते हैं। तो दोस्तों, इनका एक आईटी सेल रहता है, जो आईटी सेल को पेमेंट दिया जाता है, वो कंप्यूटर में बैठ के यही काम करते हैं। आप कितना कोई फोटोज देख लो, आप कोई पोस्ट देख लो, आप कोई वीडियो देख लो, ये सभी के जरिए लोगों के दिल में धीरे धीरे जहर फैला रहे हैं, और ऐसा ही होता रहा, ये आईटी सेल वाले ज़्यादा बढ़ते रहे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाले 4-5 सालों में इंडिया कट्टर होता जाएगा, और अपने धर्म के नाम पे अपने आप से एक दूसरे से झगड़ के अपना दम घोट लेगा। दोस्तों, मानवतावाद जो विचार संविधान से आ रहा है, वो विचार आज कहीं खो गया है। आज कहीं ना कहीं आप देखते हो कि धर्म का नाम ऊंचा हो रहा है, सभी लोग अपने अपने धर्म की बात करते हैं, सभी लोग अपने अपने वजूद की बात करते हैं, और दूसरों पे उंगली उठाते हैं कि इनके वजह से ये हुआ, इनके वजह से वो हुआ। ये आज जो भी हो रहा है, कहीं ना कितने थोड़े से परसेंट तो होगा, लेकिन ये आईटी सेल का प्रभाव है। अगर आपको कहीं लगता है कि आईटी सेल चल रहा है, अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा छानबीन करें, अगर आप कोबरा पोस्ट जैसे यूट्यूब पे सर्च करें, कोबरा पोस्ट जैसे लोग जो यूट्यूब पे सच्ची जानकारी देते हैं, उनके पास अगर आप पोस्ट करेंगे और उनकी पोस्ट पढ़ेंगे, तो आपको मालूम होगा आईटी सेल है क्या। क्योंकि दोस्तों, ये आईटी सेल ऐसा एक रोग है जो इंडिया को लग चुका है, और ये इंडिया को एक दिन धर्म के नाम पर बर्बाद कर देगा। तो दोस्तों, मैं सभी से ये जानकारी चाहूँगा कि ये सोशल मीडिया पे जो भी धर्मों वाले, आतंक वाले, या एक दूसरे को भड़काने वाले मैसेजेस, पोस्ट, फोटोज़, वीडियोज़ जो भी आते हैं, अपने दिमाग में चौकन्ना रख के उसको देखो, पढ़ो। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फाइनल एडिटेड वाला वीडियो है, तो उसको सामने फॉरवर्ड नहीं करना है आपको, क्योंकि आप तो एक भनक रहे, लेकिन दूसरों को भी आप भड़का रहे हो, तो इसका एक जुर्म है, ये एक साइबर क्राइम है। तो मैं सभी को निवेदन करूँगा, ऐसे भड़काऊ पोस्ट अपने तो डालो मत, जो डाल रहा है उसके खिलाफ हो जाओ, उसको बताओ कि ऐसे वीडियो और ऐसे पोस्ट हमारे ग्रुप पे आने नहीं चाहिए। और हम आज से शुरुआत करेंगे, तो हो सकता है कुछ ना कुछ महीने में कहीं ना कहीं बदलाव आ जाएगा, और हम इस आईटी सेल वालों को उनके मुंह की जवाब देंगे, क्योंकि ये लोग दिखते नहीं है लेकिन होते हैं, और ये लोग अपना प्रोपेगेंडा खूब तरीके से चलाते हैं। इसलिए हमारे कुछ आदिवासी भाई बहन हैं जो अभी भी उन लोगों के विचार में गुमराह हुए हैं, मैं सभी को निवेदन करूंगा, भाइयों अभी भी वक्त है, आप संविधान को मानने वाले लोगों, आप संविधान को फॉलो करने वाले लोगों, संविधान की अगर आप इज्जत करते हो तो संविधान के अनुसार चलना भी चाहिए। एक दूसरों को भड़का के, एक दूसरे में झगड़े पैदा करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर इस देश में रहना है, इस भारत देश धर्मनिरपेक्ष जो है इसमें रहना है, तो हमको सबको साथ लेके चलना है। तो मैं इस सभी जाने वाली रिपब्लिक डे के वीडियो पर मैं यही सभी भारतीयवासी को मैसेज देना चाहूँगा कि इस आईटी सेल से आप दूर रहे और सभी मिलजुल कर रहे। यहाँ पे सभी धर्म सेम है और सभी धर्म का यहाँ पे महत्व है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। सभी को सभी 26 जनवरी 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन हमारा संविधान इस देश में आया था, तो इसके लिए सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम, भारत माता की जय।